सेलिब्रेशन भी लोग बुलाते हैं 25 दिसंबर, और नया साल जब 31 दिसंबर आएगा और 1 जनवरी आना, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां और क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो सभी जिलावासियों को जो नया वर्ष आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि जो सभी जिलावासियों के सहयोग से हम जिले में एक शांतिपूर्ण माहौल दे पाएंगे, और ताकि सभी लोग अपना जो भी कार्य जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस कार्य को बखूबी ढंग से पूरा कर सकें। साथ ही 31 दिसंबर को जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो लोग अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर सके, लेकिन किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी या आवारागर्दी ना हो, इस पर भी हमारा विशेष फोकस रहेगा। खासतौर पर शराब पी करके वाहन चलाना या रात को गलियों में या बाज़ारों में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा सभी लोगों से भी ये अपील है कि 31 दिसंबर और कभी भी शराब पी करके वाहन ना चलाएँ, क्योंकि इससे हो सकता है खुद की भी और सामने वाले की भी हानि होती है, और कभी कभार काफ़ी जिंदगियाँ इस कारण से बर्बाद हो जाती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के सभी नियमों का जरूर पालन करें, और बाकी भी जो देश का कानून है उसके हमें जरूर पालना करनी चाहिए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो सभी जिलावासियों को जो नया वर्ष आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि जो सभी जिलावासियों के सहयोग से हम जिले में एक शांतिपूर्ण माहौल दे पाएंगे, और ताकि सभी लोग अपना जो भी कार्य जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस कार्य को बखूबी ढंग से पूरा कर सकें। साथ ही 31 दिसंबर को जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो लोग अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर सके, लेकिन किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी या आवारागर्दी ना हो, इस पर भी हमारा विशेष फोकस रहेगा। खासतौर पर शराब पी करके वाहन चलाना या रात को गलियों में या बाज़ारों में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा सभी लोगों से भी ये अपील है कि 31 दिसंबर और कभी भी शराब पी करके वाहन ना चलाएं, क्योंकि इससे हो सकता है खुद की भी और सामने वाले की भी हानि होती है, और कभी कभार काफ़ी जिंदगियाँ इस कारण से बर्बाद हो जाती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के सभी नियमों का जरूर पालन करें, और बाकी भी जो देश का कानून है उसके हमें जरूर पालना करनी चाहिए।